तो देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है छोटा सा एक एक्टिविटी काइंड ऑफ ये है कि आपको इन वर्ड्स का सिनोनिम लिखना है सिनोनिम का मतलब क्या होता है सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स ठीक है जैसे कम्युनिकेट है तो कम्युनिकेट का क्या होता है ना कि कम्युनिकेट को हम लोग और क्या कहते हैं टॉक कहते हैं और विस्पर कहते हैं और क्या कहते हैं कन्वर्सेशन भी कहते हैं क्या कहते हैं कन्वर्सेशन कन्वर्सेशन कहते हैं ठीक है सिमिलरली वॉक वॉक को हम लोग क्या कहते हैं एम्बल और क्या कहते हैं शफल ठीक है तो इस तरीके से आपको इन सारे जैसे लुक है लुक को हम लोग क्या कहेंगे सी वी लुक का सिनोनिम क्या हो सकता सी, klar, अलाग अलाग है सी वॉच हालांकि सबका अलग अलग यूजेज है बट मतलब क्या होता है सबका लुक का मतलब भी देखना होता है सी का मतलब भी देखना होता है वॉच का मतलब भी देखना होता है इस तरीके से आपको इन फाइव वर्ड्स का सिनोनिम लिखना है ठीक है ये आपके मन के ऊपर है आप मिनिमम टू लिखो मिनिमम टू लिखो ठीक है उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो थ्री फोर फाइव जितने आपके माइंड में आते हैं आप लिख लिख लेना ठीक है चलो एक बार आप इसका ये देख लो कि क्या डेफिनेशन है ये डेफिनेशन आपकी फेयर कॉपी में होना चाहिए वर्ब इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इंडिकेट्स एन एक्शन और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दैट इंडिकेट्स एक्शन और स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस दोनों चीज़ है एक्शन भी होता है और एग्जिस्टेंस भी होता है देखो स्टूडेंट्स अगर हम वर्ड को मेनली क्लासीफाई करें ना तो वर्क का क्लासिफिकेशन आपको पहले से मालूम भी होगा थोड़ा सा और सीख लो देखो वर्क का क्लासिफिकेशन अगर आप देखोगे तो एक होता है मेन वर्क दूसरा होता है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्क ठीक है हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्क ठीक है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसमें से जो बी का फॉर्म है वो अब एग्जिस्टेंस के फॉर्म में बताता है मतलब मेन वर्ब तो बताते ही बताता है बट एग्जरी वर्ब के फॉर्म में भी बी यूज़ होता है समझाने का क्या मतलब है मेरे ओके okay? लेट्स जैसे ये है यूजिंग बी बी कैन बी यूज बोथ एज मेन वर्ब एंड एज एज एन एग्जलरी वर्ब इन अ सेंटेंस तो ये क्या है कुछ सेंटेंस uh, है इन सेंटेंस में कुछ ना कुछ वर्ब मिसिंग है कुछ न कुछ वर्ड मिसिंग बेसिकली ये वर्ड क्या होगा ये वर्ब होगा कि कौन सा ये वर्ब होगा नॉर्मली ये कौन सा वर्ब होगा ये वर्ब होगा आपका हेल्पिंग या ऑक्सिलरी जो भी कह लो ठीक है सो so, अब जैसे पहला सेंटेंस है आई uh, फिर उसके बाद स्लैश है देन रेदर टॉल तो यानी रेदर और आई के बीच में एक वर्ड आना है विच इज अ वर्ब कौन सा वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब है क्या है वो एम यानी आई एम रेदर टॉल सिमिलरली आप देखो यू नॉट पेइंग अटेंशन टू वॉट आई एम सेइंग तो यानी यू और नॉट के बीच में क्या आना चाहिए यू और नॉट के बीच में क्या आना चाहिए एक ऐसा वर्ब आना चाहिए जो कि ऑक्सिलरी हो यानी हेल्पिंग वर्ब हो तो क्या आ जाएगा यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू आई एम सेइंग तो अब देखो आर मेरे माइंड में कैसे आया कि आर होगा रीजन ये है कि पेइंग अगर आया है तो बेसिकली ये प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा या पास्ट कंटिन्यूस होगा या फ्यूचर कंटिन्यूस होगा ये नेक्स्ट चैप्टर में टेंस पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा लेकिन अभी रफ टफ़ समझ लो ठीक है तो पेइंग का मतलब होता है कि ध्यान ना देना पेइंग अटेंशन का मतलब होता है ध्यान देना और यहाँ पे क्या रहा यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट आई एम सेइंग तो ये जो सेंटेंस है आई एम सेइंग ये आपका प्रेजेंट में है है ना प्रेजेंट कंटिन्यूस में है तो जब ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो आई के साथ एम आता है इसी तरह यू के साथ क्या यूज करते हैं हम लोग आर यूज करते हैं ठीक है सिमिलरली देखो माइक एंड शीला लिविंग इन मुंबई बिफोर दे मूव्ड टू हैदराबाद अब यहाँ पे आर अब देखो यहाँ पे ये टेंस क्या आ गया पास्ट टेंस आ गया तो पास्ट टेंस आ गया तो क्या होना चाहिए बताओ बताओ क्या होना चाहिए वर्ल्ड लिविंग इन मुंबई होगा या फिर हैड बीन लिविंग इन मुंबई होगा टेल मी टेल मी इट्स अ पॉइंट ऑफ थिंकिंग अब मेरी बात को सुनना ध्यान से फिर से समझो बात को जब टेंस की बात होती है ना तो वी कंपेयर दो टू एक्शन विच वी आर टॉकिंग अबाउट यहाँ पे बिफोर है, तो यहाँ टू हुए है। क्या क्या काम हुआ है? पहला दे मूव टू हैदराबाद ये लोग हैदराबाद चले गए एंड माइक एंड शीलांबई बिफोर दे मूव टू हैदराबाद एंड शीला हैदराबाद मूव करने से पहले कहाँ रह रहे थे मुंबई में रह रहे थे तो अब यहाँ पे वर लिविंग होगा याडबीन लिविंग होगा बताओ अब मेरी बात को समझो ठीक है तो स्टूडेंट्स यहां पे हैड बीन लिविंग होगा ठीक है ना हैड बीन लिविंग होगा बात समझ में आ रही है ना सम स्टूडेंट्स में कम अक्रॉस विद द सेंटेंस कि सर यहां पे डब्ल्यू आर ई वर्ल्ड लिविंग होना चाहिए सो दैट्स अ ओपन सजेशन टू ऑल ऑफ यू कि अगर किसी को डाउट होता है तो दे मे कॉल मी डायरेक्टली कि सर यहाँ पर हैडबिन uh, आप गलत बता रहे हो यहाँ पे वर होना चाहिए अगर किसी को ऐसा लगता है तो फिर मैं उसको डिटेल में कॉल करके या फिर बात करके समझा दूँगा ठीक है एज इफ ना आप ये समझ के रखो been होगा ठीक है हेडबिन का देखो रीज़न क्या होता है जब भी दो काम होता है लेट्स से कि कोई दो काम हो रहा है दो का दोनों पास्ट में हो रहा है तो मुझे ये बताओ कि दोनों में से पहले वाला पास्ट कौन सा है पहले वाला पास्ट कौन सा है तो आप कहोगे सर पहला वाला पास्ट जो है माइक एंड शीला लिविंग इन मुंबई क्योंकि अब तो वो हैदराबाद में मूव कर चुके थे बट मूव करने से पहले कहाँ रह रहे थे मुंबई में रह रहे थे इसका मतलब पहला वाला पार्ट क्या है आई I मीन mean कि बिफोर एक्शन में क्या हुआ है पहले मुंबई में रहना हुआ है अब कंपेयर कैसे करते हैं मैंने कहा कि पास्ट टेंस कौन सा है ये सि, ये, सि, ये सिंपल पास्ट टेंस है तो सिंपल पास्ट टेंस के जस्ट पहले कौन सा पास्ट आता है तो आप कहोगे सर सिंपल पास्ट के पहले जो है ना पास्ट परफेक्ट आता है ठीक है तो अब पास्ट परफेक्ट तो यहां पॉसिबल है नहीं क्योंकि लिविंग दे रखा है तो पास्ट परफेक्ट पॉसिबल नहीं तो व्हाट वी कैन टेक वी कैन टेक पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस ठीक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है आ जाएगा ठीक है ओके नाउ मूविंग फॉरवर्ड इट कोल्ड दिस मॉर्निंग यस्टरडे इट वॉज क्वाइट वार्म अब यस्ट यस्टरडे इट वॉज क्वाइट वॉर्म यानी ये कल की बात कर रहा है और फिर मॉर्निंग दिस मॉर्निंग कह रहे हैं यानी आज की बात हो रही है तो जब आज की बात हो रही है तो इट इज़ कोल्ड दिस मॉर्निंग यस्टरडे इट वॉज क्वाइट वार्म ठीक है टुमॉरो माइट बी इवेन कोल्ड ईयर ठीक है तो माइट बी देखो मेरे मुँह से अपने आप ही निकल गया माइट के साथ क्या होना चाहिए बी होना चाहिए माइट के साथ बी होना चाहिए ठीक है चलो ये अब सवाल आता है कि सर ये माइट के साथ बी क्यों होगा तो देखो क्यों होगा जैसे मैंने बोला आई विल बी अ गुड बॉय आई विल बी अ गुड बॉय आई विल बी अ गुड बैट्समैन चलो मैं एक अच्छा बैट्समैन रहूंगा या मैं एक बैट्स मैं एक अच्छा बैट्समैन हूँगा ठीक है तो यहाँ पे जो ये स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस की बात हो रही है रहूँगा या होगा वाली जो बात हो रही है उसके लिए हमें बी या बी का कोई फॉर्म यूज करना पड़ता है जैसे बी इज़ एम आर वॉज वर विल बी शैल बी एंड एट्सेट्रा तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि माइट तो ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका माइट के साथ इज तो आ नहीं सकता एम आ नहीं सकता है तो क्या आता है बी का बेस फॉर्म आता है बी का बेस फॉर्म क्या होता बी है बी खुद ही होता है ठीक है तो टुमारो माइट बी इवन कोल्डर सो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको अच्छा खासा आइडिया लग गया होगा कि इस पार्ट को कैसे कम्प्लीट करना टेन क्वेश्चन को कैसे करना है ठीक है नॉट जस्ट आई टू अंडरस्टैंड फ्यू मोर थिंग्स अबाउट दिस देखो वर्ब को अगर हम कैटेगराइज करें एक तो था मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब ये तो है ही मेजर क्लासिफिकेशन और अगर वर्ब को हम क्लासीफाई करें उनकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब के रूप में के वे में तो वो होता है रेगुलर और इरेगुलर वर्ब अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या होता है देखो होता है क्या ना वर्ब बेसिकली फॉर्म होल्ड करता है क्या होल्ड करता है फॉर्म फॉर्म होल्ड करता है मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है ठीक है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो फर्स्ट फॉर्म तो वही हो गया जैसे जो भी वर्ड है ठीक है ना जो भी वर्ड है उसका फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा जैसे बेक अपने सामने लिखा हुआ तो बेक हमारा क्या है फर्स्ट फॉर्म है ठीक है यानी सिंपल प्रेजेंट फॉर्म है लेकिन इसी का जो बेक्ड लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेट को ध्यान देना जो बेट लिखा है ना ये पास्ट टेंस है किसका पास्ट टेंस है बेक का पास्ट टेंस है और बेक्ड जो लिखा है जो थर्ड नंबर पे है वो क्या है पास्ट पार्टिसिपल है तो इसी को हम लोग थर्ड फॉर्म कहते हैं सो सिंपली आप वर्ब का फॉर्म सीखोगे कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड वर्ब थर्ड फॉर्म या फिर वर्ब का सिंपल फॉर्म पास्ट फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ठीक है ना इसी फॉर्म के बेसिस पे हम लोग टेंस को टेंस में वर्ब का यूज़ करना सीखेंगे सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म के का मैंने यूज़ करना है इसको ध्यान देना बस ये ध्यान देना कि सेकेंड मतलब पास्ट टेंस और थर्ड थर्ड वर्ब थर्ड फॉर्म मतलब कि पास्ट पार्टिसिपल वाला ठीक है तो कुछ ऐसे होते हैं जिनका फॉर्म चेंज हो जाता है जैसे मैंने बोला बेक बेक सॉरी चेंज नहीं होता है एंड बेगड मतलब ईडी लगाया जाता है न, ऐसे मत समझो कि चेंज होता है या नहीं चेंज होता है ऐसे समझो कि ईडी लगा दिया जाता है आगे क्या लगा दिया जाता है ईडी लगा दिया जाता है उसको पास या पार्टिसिपल बनाने के लिए अब इेगुलर वर्ब क्या होते हैं इरेगुलर वर्ब होते हैं जिसमें ईडी लगा के काम नहीं चलता है उनकी कुछ ना कुछ स्पेलिंग्स में चेंज करना पड़ता है या तो एज इट इज छोड़ दिया जाता है जैसे कम तो कम हमारा क्या सिंपल प्रेजेंट है लेकिन म अगर लिख दिया गया तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा और अगर इसी को हमें पास पार्टिसिपल में देना है यानी थर्ड फॉर्म में देना तो क्या करेंगे हैड कम कर देंगे ठीक है ना बेसिकली इसका फॉर्म क्या होता है कम कम केम एंड अगेन ठीक है अब पुट का देखो पुट का फर्स्ट फॉर्म भी पुट है सेकेंड फॉर्म भी पुट है और थर्ड फॉर्म भी पुट है यानी कि पुट का सिंपल टेंस में भी पुट यूज होगा अगर पास्ट टेंस कहेंगे तो पास्ट टेंस में पुट यूज होगा और पास्ट पार्टिसिपल में भी पुट ही यूज होगा एक्सक्यूज <coughs> मी <Excuse me. coughs> अब देखो इसका जो पार्ट सी है करेक्ट डी सेंटेंसेज एंड री राइट दैम इन योर नोटबुक जैसे आई बाइड दिस बुक इट कॉस्टेड मी थर्टी रुपीज अब कहने का क्या मतलब है कि बाइड जो यहाँ पे आया है क्या ये बायड हमारा रेगुलर फर्म में से आता है रेगुलर फॉर्म में से आता है या क्या डिफरेंट होता है तो मैं आपको देखो एक हिंट देता हूँ आप जो हो ये समझो कि बी यू वाई देन क्या होता है बी ओ यू जी एच टी बॉट एंड बॉट यानी कि अगर हमको बाय का सेकेंड या थर्ड फॉर्म यूज करना है तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा बॉट यूज करना पड़ेगा ना कि इसके आगे ed लगाना पड़ेगा ed लगाने से काम नहीं चलेगा बॉट या बॉट यूज करना पड़ेगा सेकेंड और थर्ड फॉर्म में तो इसीलिए जो बाइड लिखा है बाइड नहीं होगा क्या होगा बॉट होगा ठीक है अब देखो ऑल दो आई हैड थ्रोड द बॉल वेरी हाई माई फ्रेंड टली कैचड यहाँ देखो दो दो एरर है क्या एरर है थ्रो का थ्रोड नहीं होता है थ्रो का क्या होता है थ्रो का होता है थ्रोन एंड उसी तरह कैच का कैच नहीं होता है सी ए यू जी एस टी कॉट होता है तो यहां ये यह दोनों वर्ड को आप चेंज करोगे थ्रोड को थ्रोन करोगे और कैस्ट को कॉट करोगे सिमिलरली आपको पार्ट सी भी कंप्लीट करना रहेगा ठीक है आइए स्टडी करते हैं फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है इसको ध्यान से समझना अब पहला क्लासिफिकेशन मैंने बता, बताया मेन हेल्पिंग वर्ब के बेसिस पे सेकंड मैंने बताया उनके फॉर्म ऑफ वर्ब के बेसिस पे थर्ड का देखो क्लासिफिकेशन क्या है वर्ब्स में बी क्लासिफाइड एज फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स अब देखो फाइनाइट वर्ब्स आर द मेन वर्ब्स इन सेंटेंसेस वेयर इज नॉन फाइनाइट वर्ब्स नेवर एक्ट एज मेन वर्ब नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर थ्री टाइप्स इनफिनिटिव जेरन एंड पार्टिसिपल देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब की तरह काम करेगा अब बात आती है सर मेन वर्ब क्या होगा मेन वर्ब होगा जिससे आपको ये पता चलेगा कि काम क्या हो रहा है जैसे मैंने बोला राम इज ईटिंग या मोहित इज गोइंग तो यहाँ पे एक्शन क्या है एक्शन है खाना खाना या गोइंग यानी जाना तो ये मेन वर्ब है ठीक है वो वर्ब जिससे कि आपको प्रॉपर सेंटेंस का आइडिया लगता है कि वॉट वर्क इज वॉट वर्क इज बींग डन क्या काम किया जा रहा है ठीक है नॉन फाइनाइट क्या होता है नॉन फाइनाइट होता है ये मेन वर्क की तरह कभी भी यूज़ नहीं होता और नॉन फाइनाइट का तीन क्लासिफिकेशन है क्या है इनफिनेटिव जिरन और पार्टिसिपल अब क्या होता है इन्फिनेटिव जब भी होगा ये टू प्लस वर्ब का फॉर्म होगा जिरन में क्या होगा वर्बल नाउन यानी आई एन जी फॉर्म होगा यानी वर्ब की आई एन जी फॉर्म होगा पार्टिसिपल में क्या होगा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी आइए देखते हैं इसको डिटेल में ब्लॉक में ठीक है आइए लेट्स सी तो आइए देखते हैं फाइनाइट वर्ब्स यानी मेन वर्ब्स इनका सबसे पहले क्या बात है सब्जेक्ट दे हैव अ सब्जेक्ट शोइंग टेंस ये टेंस बताते हैं शोइंग नंबर अग्री विद सब्जेक्ट एंड सेंटेंस कैन नॉट भी फॉर्म विदाउट फाइनाइट वर्ब यानी किसी फाइनाइट वर्ब के बिना सेंटेंस फॉर्म नहीं किया जा सकता इनके पास सब्जेक्ट ज़रूर होता है जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग तो मैंने बोला गोइंग हमारा जो है मेन वर्ब है क्योंकि जब तक आई नहीं लगाएंगे यानी सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे तब तक बिना आई के गोइंग का क्या अर्थ है इज दर एनी मीनिंग ऑफ यूजिंग गोइंग विदाउट यूजिंग आई कोई अर्थ कोई मीनिंग नहीं है ठीक है ना सो आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे सब्जेक्ट नेसेसरी होता है अच्छा जैसे मैंने गोइंग लगा दिया और एम गोइंग लगा दिया तो ये पता चल गया कि ये आपका क्या बताने वाला है टेंस बताने वाला है करेक्ट अच्छा आगे देखो कुछ एग्जाम्पल्स भी आपके सामने कुछ में आएगा जैसे मैंने बोला मैंने बोला आई लिव इन मुंबई आई लिव इन मुंबई तो जैसे मैंने बोला आई लिव इन मुंबई तो ये कौन सा टेंस बता रहा है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बता रहा है बट वही मैंने बोला आई लिव इन मुंबई तो ये सिंपल पास्ट बताने लगा क्यों क्योंकि मैंने बताया लिव का लिव्ड अगर बना तो ये कौन सा टेंस आ गया पास्ट टेंस आ गया मैंने बोला आई एम लिविंग इन मुंबई तो ये क्या आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया तो टेंस बेसिकली आपको शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है अब देखो ये कहता है शो नंबर एंड अग्री सब्जेक्ट क्या सब्जेक्ट का मतलब है कि अगर मैंने बोला द मैन लिव्स तो मैन क्या है सिंगुलर तो सिंगुलर जब भी होगा तुम लोग क्या करते हैं वर्ब के आगे एस या एस लगा देते हैं ठीक है द मैन लिव अब यहां पे मैन क्या है प्लूरल है तो हम लोग वर्ब को एज इट इज छोड़ देते हैं कोई चेंजेस नहीं करते हैं ठीक है एंड अ सेंटेंस कैन नॉट बी फाउंड विदाउट फाइनाइट वर्ब कहता है कि एक फाइनाइट uh, वर्ब के बिना कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं किया सकता जैसे मैंने बोला हियरिंग क्रैश तो हियरिंग क्रैश में देखो तो हियरिंग है ही फॉर्म है तो आप सर, जब तक, आप कह सकते कि यहां पे तो आई ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो बेटा नहीं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं है क्यों बिकॉज हियर देंट द सब्जेक्ट इज एबसेंट मोर ओवर विदाउट फाइनाइट वर्ब के बिना कुछ हो नहीं सकता है विदाउट फाइनाइट वर्ब के बिना कुछ हो नहीं सकता है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं अब यह है नॉन फाइनाइट वर्ब तो नॉन फाइनाइट क्या होता है नॉन फाइनाइट्स में क्या क्या आ जाता है इन्फिनेटिव जिरन्स एंड पार्टिसिपल तो सबका एग्जाम्पल देखो डू नॉट है सब्जेक्ट इनके पास कोई सब्जेक्ट नहीं होता जैसे आई वेंट टू द जिम टू एक्सरसाइज अब टू एक्सरसाइज के पहले कोई सब्जेक्ट तो है नहीं सब्जेक्ट मीन्स क्या द डूअर हु इज अ सब्जेक्ट सब्जेक्ट इज अ डूअर यानी जो काम कर रहा है इस कॉल्ड सब्जेक्ट सो यहाँ पे आई वेंट टू द जिम तो वेंट के पहले आई है यानी कि यहाँ पे तो आई इज सब्जेक्ट ऑफ वर वेंट यानी कि जो आई है वो वेंट का सब्जेक्ट है लेकिन एक्सरसाइज का या टू एक्सरसाइज का सब्जेक्ट कुछ नहीं है सिमिलरली आई विल गो टू द जिम तो यहां पे इंफिनेटिव का पार्ट आ गया सिमिलरली रनिंग हैबिट डिसअपियर्ड इन टू द वुड्स यानी एक दौड़ने की आदत जो है अब लकड़ियों में जा चुकी है यानी अब बंद हो चुकी है तो रनिंग यहाँ पे क्या जिरंड है मैंने कहा ना जिरंड में वर्क की आई एन जी फॉर्म होगी एंड शी गोज टू द जिम टू एक्सरसाइज एक्सरसाइजिंग इज अ गुड एक्सरसाइज सो दिस इज द वे टू सॉल्व लाइक अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इंफिनेटिव जिरंड एंड पार्टिसिपल ठीक है सो आई होप दैट यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट राइट नो यो वर्क हैज के पहले को जो मैंने ए बी सी पार्ट दिया वो तो है ही है पार्ट डी भी आपके होमवर्क में है सो so, पार्ट डी के सारे के सारे पार्ट्स को कम्प्लीट कर लेना देन नेक्स्ट इन नेक्स्ट क्लास विल रीड इन्फिनेटिवस इन डिटेल ठीक है ना हम लोग इन्फिनेटिवस को डिटेल में पढ़ेंगे फिर पार्ट ई के क्वेश्चन को मैंने मैं हेंट करूँगा देन जिरन बताऊँगा देन पार्टिसिपल्स भी आपको बताऊँगा ठीक है सो देट्स ऑल फॉर द डे स्टूडेंट्स थैंक्स अ लॉट